ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁਲਾਰੇ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। उक्त वारदात बारे जानकारी दिंदिया मृतक बुजुर्ग के बेटे ने दसाया कि वह जदों रात काम तो बाद खाना खा के अपनी पत्नी ते बेटी नाल अपने कमरे में सो गए। तस्वीर समय उड़ते सार ही पता लगा कि उन्होंने पिता हंसराज की कतल की हुई लाश बैठते पई सी। उसने कहा कि इस वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति घर विचों 8 लाख रुपए की नकदी और उसके पिता के हाथ में पाई सोने की मुंदी लेके फरार हो चुके सन, जिस बाबत उन्होंने पुलिस को सूचित करके दोषियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उस टाइम असं अंदर सके सुते पे से, उस टाइम काम तो आए थे, उधर पहले हॉस्पिटलों आए 10:30 बजे, 10:30 बजे हॉस्पिटलों आके मुड़ के इधर आके रोटी पानी बना के खा के सुते हैं। मैं मकीरा काम करता मंडी च, मैं पता नहीं लगा कदों नींद आ गई। तुहाड़े फादर साहब कल्ले सुते सी? हाँ जी, वो कल्ले सुते सी, कोई नहीं सी, माता जी थी हॉस्पिटल दाखिल किए। अच्छा जी, नहीं सर कोई रंजिश वगैरह तो नहीं सी, जो पैर पूरे का हिसाब पता नहीं सी, तो 6:30-7 बजे पता लगे। अच्छा, तुसीं ते तुहाड़े फादर साहब ही सी घर दे विच? हाँ जी, मेरी वाइफ सी, मेरी गुड़िया सी। अच्छा, हाँ जी, तो कोई आया नहीं सामने तुहानूं? कोई लगता कोई रंजिश वगैरह हो किसी ना, कोई पैसे का लैन देन? नहीं, पैसे का लैन देन नबेड़ता सी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਦਾ। ਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ? ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਲੱਤ ਪੱਤ ਸੀ। उधर वारदात की सूचना मिलते सार ही SP फगवाड़ा मनविंदर सिंह पुलिस पार्टी नाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लाश को कब्जे में लैन तो बाद मृतक व्यक्ति के परिवारक मैंबरों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी। वारदात दौरान एक CCTV फुटेज भी सामने आई है। इस मौके DSP परमजीत सिंह ने दसाया कि इस कतल के कारणों की जांच की जा रही है तो दोषी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त होंगे। अज इनफॉर्मेशन मिली सी रणजीत नगर के एक मर्डर हुआ, जिसे मौके पर आए हैं। इतने हंसराज नाँ का व्यक्ति जरा जी एज 65 ईयर एज है, जिदा रात मर्डर हो गया, जिद अंडर सैक्शन 460 के तहत केस रजिस्टर करके यदा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बाकी सू पता लगा भी कुछ कैश भी गया है, वो भी वेरीफाई कर रहे हैं, कोई मुंदरी सोने की वो भी गई है जी, वो सारा वेरीफाई करके केस ट्रेस लगे कर रहे हैं। कैश का कितना अंदाजा लग रहा है? कैश जो करीब 7-8 लाख दस रहे हैं, जो इन्होंने एक प्लाट बेचा सी वो भी वेरीफाई सारा कर रहे हैं। साहब आले दुआले कैमरे लगे, कोई व्यक्ति कैमरे च नजर आ रहा, कोई है कोई मरना? असं जो आस पास CCTV चैक किए, कुछ CCTV सानू फुटेज जो सामने आई हैं उन्होंने अं वेरीफाई कर रहे हैं सर। जो पता लगा भी जरा घर कैश भी गया है, कुछ हो सकता किसी बंद पता से घर कैश पाया, जिस करके मार के गए, कैश लैके गए, वो वेरीफाई कर रहे हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, जस्ट कुछ सानू फुटेज मिले है, कुछ हाँ वो वेरीफाई कर रहे हैं। रात हुआ मर्डर, ये इनफॉर्मेशन तो मॉर्निंग मिली है, अब ये रात हुआ मर्डर।